देश आजादी का पर्व मना रहा है और हर कोई देश के आजादी के इस पर्व में अपना योगदान देता नजर आ रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो अपने समापन के पड़ाव पर पहुंची और इस दौरान जनता का भारी उत्साह देखा गया। पूरे देश में आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। ये आजादी के पर्व का उत्साह ही तो है जो इस समय पूरे देश में तीन रंगों में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। तिरंगे के प्रति जो देश भावना इस समय आम आदमी के अंदर उमड़ रही है, शायद ही आपने ऐसा नजारा कभी देखा होगा। जहां नजर डालो वहां बस वही तीन रंग दिखाई देते हैं, जिनसे हमारे देश की एकता का रंग और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। 15 अगस्त के खास मौके पर अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हरियाणा के सोहना में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। तिरंगा यात्रा का आयोजन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने कराया। इसमें आम जनता की भी भीड़ उमड़ी। स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी दी थी, उसका मकसद था कि कांग्रेस पार्टी ने 9 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को ये आगाज किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो 9 तारीख को हमने ये आंदोलन शुरू किया था, ये यात्रा शुरू की थी। जिन्होंने, एक कहावत है, जिन्होंने संघर्ष करके कुछ नहीं कमाया होता, जिस बच्चे ने, बुजुर्ग बोला करते थे, ये लोकल कहावत है कि जिस बच्चे ने कभी मेहनत करके ना कमाया हो वो माँ बाप की कमाई को ऐसे ही उड़ा देता है, वही आज भाजपा की सरकार कर रही है। जो कांग्रेस ने, वो बोलते थे 70 साल में क्या किया है, हमने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन जो हमने 70 साल में किया था मोदी जी ने वो सारा का सारा इन 8 सालों में बेच दिया है। सालों से हम ये देखते आए हैं कि देश के अलग अलग रंग अलग अलग किस्सों और कहानियों में छलकते हैं। ये रंग और भी गहरे हो जाते हैं जब इसमें एकता का रंग घुलता है। ये रंग ना सिर्फ खुशी देते हैं बल्कि राष्ट्रवाद की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे और उन तमाम लोगों ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी राष्ट्र भावना की चेतना को जगाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी तो देश की आज़ादी में शरीक रही है और मैं बताना चाहूँगा, आज जो यात्रा हम कर रहे हैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र भारद्वाज की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम जितेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में और उनके योगदान से हम बहुत जल्द एक मजबूत संगठन बनाने जा रहे हैं। सारे आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। महात्मा गांधी ने अपने डंडी और छोटा लंगोटी और छोटा से देश को आज़ाद कराया, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया, सारे दो देश के कार्यकर्ताओं ने बहुत बहुत बलिदान दिया। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी सुरक्षा में रहेगी। तो एक तरफ जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का उत्साह भी यहां पर देखने को मिला। अब ऐसे में ये संदेश इस यात्रा के जरिए पहुंचाया गया कि भारत की खूबसूरती है अनेकता में एकता।